टेंशन है आपका। हे गाइस, आज है 16 तारीख और हम जा रहे हैं भाई साहब को सकड़ी छोड़ने के लिए, क्योंकि उनका बस है 12 बजे से। अभी टाइम 11 बज रहा है, तो उससे पहले अपना बाइक देख लीजिए। ही गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ऑल मिथिला रेट्रो फैमिली। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चैनल तो नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो कीजिए। नीचे मैं आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए 5 मिनट लगता है। रोड में बहुत बड़ा गड्ढा था बॉस, और ये दीवारों के साइड पहले मिथिला पेंटिंग हुआ करता था, अब और ही कुछ लिख दिया और ही कुछ का पेंटिंग कर दिया। ये उतना अच्छा नहीं लगता था पहले, मिथिला पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। तो फिलहाल में हम सकड़ी पहुंच चुके हैं और यहां से हम लेंगे राइट टर्न और चलेंगे जहां पे बस आएगा, जहां से भैया टिकट करवाए थे, बस वहीं पे चल के रुकते हैं। तो फाइनली अभी सकड़ी पहुंच चुके हैं और यहीं से भैया का बस मिलेगा। ये दिल्ली असम हाईवे है, NH 57। देख सकते आप लोग सकड़ी का ये दरभंगा वाला साइड है, यहीं से बस मिलेगा। तो फाइनली जिस बस में हमारे भाई जी जाएंगे वो बस आ चुका है और देख सकते हो सामने ये आ रहा है और यहाँ पे लगेगा। और इसी काउंटर से गए थे भाई, करम ट्रेवल्स वाले से बात किए थे 1100 रुपये। और ये बाइक अपना खड़ा है और ये आ गया बस। तो अभी हम फिलहाल में पंडोल में हैं और हमारे सामने दुर्गा स्थान है और ये चाय की स्टॉल, वो अपनी बाइक खड़ी है तो फटाफट चाय भैया को बोलते हैं बनाने के और चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते घर के लिए। और ये हमारा चाय भी आ गया, देख सकते हो आप लोग। और भैया हमारे चले गए हैं, उनको बस पकड़ा करके हम सकड़े से अभी जस्ट घर के लिए लौटे हैं। तो फटाफट चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली अभी चाय पी लिए हैं और बाइक अपना हो चुका है ऑन और निकलते हैं फटाफट घर के लिए और देखते हैं अगर रॉयल इनफील्ड का या बजाज का शोरूम खुला होगा तो वहाँ पे एक वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। और ये है भगवती मंदिर और निकल चुके हैं हम, अभी पंडोल से निकल रहे हैं। ये पंडोल का मेन मार्केट हो गया, चौराहा हो गया ये। ये रास्ता सीधा मधुबनी के लिए निकल जाता है, तो हम मधुबनी जाएंगे अभी, फिर मधुबनी होकर के घर जाएंगे। बने रहिए वीडियो में। हमारा सामने भी एक मिक्योर वाला जा रहा है, अंकल टाइप के हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं और इनका बाइक पंचर है, इनको बताना पड़ेगा, उनको पता नहीं चल रहा है। तो देखिए टायर पंचर है। अंकल जी, हेलो अंकल जी, टायर पंचर है आपका। अच्छा, देख लीजिए। थैंक यू, उनको बता दिया हमने टायर पंचर है और अभी वो चेक करवा लेंगे। और ऐसा ही सपोर्ट करना चाहिए, जो भी कोई अगर सामने से जा रहा है, किसी का स्टैंड गिरा हो या टायर में हवा ना हो और भी कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई भी अगर उनके बगल से गुजर रहा हो और उनको देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार उनको आप बता दो कि आपके बाइक में या आपके कार में ये प्रॉब्लम है, तो अपना सही करवा लेंगे, क्योंकि इससे एक्सीडेंट बहुत से बहुत कम हो जाएगा, अन्यथा एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस होता है। चलिए मिलते हैं सीधा मधुबनी में। तो फिलहाल में हम पहुंच गए हैं अभी मधुबनी और ये हमारा लेफ्ट हैंड में है सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पे जलधारी चौक यहाँ पे बजरंग बली की मंदिर है, जो कि पचमुखी बजरंग बली नाम से फेमस है यहाँ पे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक, हमारे लेफ्ट साइड में बजरंग बली पचमुखी बजरंग बली के जय श्री राम मंदिर, जो कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं बजरंग बली। जय श्री राम। तो फाइनली गाइज, रॉयल इनफील्ड का शोरूम तो नहीं खुला था, बट हमारे पीछे जो कि हीरो शिव शक्ति मोटर्स खुला हुआ है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। और भाई लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक बाइक का वीडियो बनाओ। इलेक्ट्रिक बाइक तो अभी हीरो का नहीं बता सकते हम आता है कि नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर हम ज़रूर आपको दिखाते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाते हैं। और ये कुछ हीरो का शोरूम है जो देख सकते हो आप लोग।
चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो फाइनली हम अभी हीरो को शोरूम के अंदर आ चुके हैं और ये कुछ स्कूटर है जो कि आप लोग देख सकते हो और काफ़ी सारे वैरायटी हैं देख सकते हो आप लोग। इस साइड पैशन प्रो नया वाला है, इस साइड स्प्लेंडर है और इस साइड एक्सट्रीम है 160R जो कि देख सकते हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। तो फिलहाल में देख सकते हो आप लोग, फिलहाल में हमने पता किया इलेक्ट्रिक स्कूटर तो नहीं है लेकिन इंजन वाले स्कूटर है जो कि आप लोग देख सकते हो हमारे सामने में। ये सब है, प्राइस भी सबका लिखा हुआ है। एक शोरूम 86,686 रुपये, इसका एक शोरूम 73,486 रुपये, ये सब पे नहीं लिखा है, लगभग सेम ही होगा, दो चार आगे पीछे होगा 2-4 हज़ार। और नेटवर्क का देखते हैं 86,686 रुपये सेम ही है, और इसका भी देख सकते हो 82,620 रुपये, लगभग सेम ही है, थोड़ा थोड़ा प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है सबका। और इलेक्ट्रिक एक भी नहीं दिख रहा है हमें इस शोरूम के अंदर में, बाकी शोरूम देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा वेल मेंटेन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत है। तो फाइनली गाइज आज के वीडियो में हमने आपको दिखाया हीरो का स्कूटर, जो कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर खोजने गया था बट मेरे को नहीं मिल पाया, तो मैंने हीरो का जो इंजन वाला स्कूटर था वो दिखा दिया। और भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि हीरो का नहीं अन्यथा कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक, तो बाइक भाई बता दूँ एक बात, मधुबनी में इलेक्ट्रिक बाइक कोई भी एजेंसी पे उपलब्ध नहीं है, और जैसे भी उपलब्ध होगा आप सभी को मैं दिखाऊंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छा हो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी वाले पे क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाके फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।